स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूं अभी साउथ गोवा के अंदर। इस वीडियो में हम आपको साउथ गोवा के दो सबसे बेस्ट हॉस्टल दिखाएंगे जो कि आप बजट में भी रह सकते हो और बजट में रहने के बावजूद भी आप एक रेजोर्ट का मजा ले सकते हो। और दूसरा हॉस्टल जो हमारा होगा वो भी साउथ गोवा में ही है लेकिन वो थोड़ा लग्जरी में आता है, उसको भी आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। इस हॉस्टल की एक ही चीज़ अच्छी है कि आपको हॉस्टल के पैसे में रेजोर्ट वाली फीलिंग आएगी। और वो कैसे आएगी वो अभी मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, ये एंट्रेंस है, उधर स्कूटी की पार्किंग है, टू व्हीलर पार्किंग, ठीक है। और यहाँ से अंदर जाएंगे हम। ये पूरा देख लो ग्रीनरी कितनी है, अभी ऑफ सीज़न है तो थोड़ा शांत है यह माहौल। ये रिसेप्शन है यहाँ का, तो ये देखो भाई, ये नाम वाम है, यहाँ से एंट्रेंस है। ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं ना, ये कॉटेज, इनके अंदर डोरमेट्री है तो आपको कॉटेज में पूरा रिजॉर्ट वाली फील आने वाली है यहाँ पर। अभी ये पैक कर रखे हैं क्योंकि मौसम अभी ख़राब है, बारिश आ रही है बार बार, ये देख सकते हो। इसमें हम रुके हैं, ये बाद में दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर अभी लोग बाग हैं तो वो मैं बाद में दिखा दूंगा। इसके पीछे भी है लॉन्ड्री वगैरह का सिस्टम और सफाई चल रही है भाई। इधर अभी धुलाई चल रही है क्योंकि अब हो गया ना, मतलब सीज़न बस हो गया, अब सितंबर तक आ जाएगा। ये इधर से दूसरा एंट्रेंस है, एंट्रेंस दिखा देता हूँ आपको। इधर से आप जाओगे तो पैलोलिम जो बीच है ना, उस बीच पे भी जा सकते हो। ये गेट है, खोलोगे इधर से जाओगे साइड से तो पैलोलिम बीच पे पहुँच जाओगे। हम कल यहीं से गए थे शॉर्टकट मार के। तो ये देख लो भाई, इधर ये सारी चीज़ लिखी है, द विलेज ग्रीन कैफ़े, ठीक है। साथ में योगा भी होती है यहाँ, अल्फा क्लब भी है, रूम भी है बीच, और सबसे बड़ी बात जिम भी है, जिम वालों के लिए भी बहुत सही है। ये है बाटी होम जो कि साउथ गोवा में मडगांव से कुल 6 किलोमीटर दूर है और यही होटल आपका मडगांव रेलवे स्टेशन से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। आओ देखें ये हॉस्टल कैसा है। ये अपनी यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे हूँ अभी मैं, सॉरी सेकंड फ्लोर पे हूँ, ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं अभी सेकंड फ्लोर पे हूँ। यहाँ नीचे से अभी ऊपर की तरफ आया हूँ और ऊपर देखो भाई, नीचे से अगर हम ऊपर आएंगे कितना प्यारा व्यू है, ठीक है। दीवारें वगैरह बिल्कुल अच्छा है और इसका ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है ज़्यादा। और ये रूम दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये एक यहाँ का डबल बेडरूम है और बहुत ही ठीक है, अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और क्लीन है बिल्कुल। आप नीचे भी देख सकते हो, बहुत सही है। ये बेड है, बेड की बात करें बेड बहुत कम्फर्टेबल है, आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। एक यहाँ पर ये दे रखा बैठने के लिए, आप इस पर आराम से बैठ सकते हो। साथ में आपके लिए एक टेबल है, टेबल बहुत सही है, अगर काम वाम करना है तो आप अपना टेबल पे बैठ सकते हो। साथ में एक अलमीरा दी हुई है जिसमें कि कपड़े और आपकी सारी चीज़ें भी रखी है, जैसे ये कंबल रखे हैं, तौलिया है, तो आपको सारी चीज़ यहाँ मिल जाएगी। साथ में फ़ैन भी है और आपका एसी भी है। ये एक डे व्यू है और अगर रात को बात करें तो आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइट कम होने के बाद देखो कितना सही लगता है, ये बहुत सही लगता है। अभी तो वैसे भी एक लाइट जली है पर फिर भी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और व्यू की बात करें तो भाई ये विंडो है, यहाँ पर कर्टेन लगे हैं यहाँ, तो विंडो अगर आपको खोलनी है, ये यहाँ से आपका व्यू है। अभी बारिश हो रही है तो बाहर में हम जा नहीं रहे, और वहाँ से मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस का भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बाकी ये दिखा रहा हूँ। उस रोड से हम आए थे, ये वाला रोड है जो इधर आता है, और ये बाहर मेन जो हाईवे है ना, जो कोची हाईवे है, कन्याकुमारी कोची हाईवे NH 66, ये उसी रोड के टच में है बाहर अगर आप निकलोगे। सो ये है यहाँ की बालकनी भाई, देख लो पूरा, आपको एक तरीके से ये मान के चलो पेंट हाउस टाइप होता है ना, पूरा वैसा मिलेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये कर्टेन हटने के बाद बहुत ही सही लगेगा। तो यहाँ से भी आपको एक बार बाहर का दिखा देते हैं, बैक साइड है, वैसे ये है बैक साइड, एसी वगैरह लगा हुआ है यहाँ, तो ये बैक साइड है भाई, ये देखो, ठीक है। ये साथ वाले रूम की बालकनी है और कितना प्यारा व्यू है, आपको पूरा पहाड़ दिखेगा, नेचर दिखेगा, बिल्कुल शांत एरिया, यहाँ कोई चूँकि आवाज़ नहीं आती, बस हाँ कभी कभी मोर वगैरह की, पिकॉक की, इन सब की आती है, तो इससे बढ़िया स्टे नहीं मिलेगा आपको। पहले इसको हम बंद कर देते हैं, ये लो भाई, ये है भाई डबल बेडरूम। साथ में आपको यहाँ पर वो वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, अपना कपड़े वगैरह अगर धोने हैं तो आप यहाँ धो सकते हो साथ में, और डस्टबिन है ही। और अगर इसकी बात करें वॉशरूम की, तो भाई ये वॉशरूम है, देख लो, शोवर लगा हुआ है आपके लिए यहाँ पर, और बकेट भी रखी है नहाने के लिए, गीजर लगा है, गर्म पानी ठंडा पानी सब मिलेगा आपको। ये यहाँ का पॉट है, ठीक है भाई, साफ़ सुथरा है बिल्कुल, आप खुद देख सकते हो, बहुत सही है। तो इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी, डील भी बताऊंगा क्या है। ये बहुत प्यारा स्टे है और बहुत ही बजट में आने वाला है, जो प्राइस वगैरह है वो भी मैं इसी वीडियो में एंड में बताऊंगा। ये आपको मैंने दिखाया था अभी अपना
डबल रूम बेड और बाटी होम के अंदर, मतलब जिस जो जो ये होम स्टे है इसका नाम है बाटी होम। बाटी मतलब बैकपैकर्स एंड ट्रेवलर्स इंडिया, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ मैं इस कम्युनिटी से हूँ और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है। फेसबुक के ऊपर आप सर्च कर सकते हो बाटी लिख के या बैकपैकर्स एंड ट्रेवलर्स इन इंडिया करके। तो यहाँ से चलते पहले तुमको मैं दिखाता हूँ जिम। ये यहाँ से हम निकल गए। ये भाई ये ना ये पल्लड़े लगा रखे हैं, ये बारिश से बचाने के लिए लगा रखे हैं क्योंकि सारा लकड़ी का बना हुआ है ना। और भाई यहाँ हम आ चुके हैं अब, और इधर लिखा है शिव योगा शाला और पार्वती योगा शाला, मतलब दो है, एक उधर है, अभी वो बंद पड़ा है। फिर भी मैं एक बार एक झलक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर योगा होती है, अभी कपड़े वगैरह सुखा रखे हैं इन्होंने क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है तो इतने गेस्ट आते नहीं हैं स्टे करने साउथ गोवा में खासकर, क्योंकि साउथ गोवा शांत प्लेस है, सीज़न में ही आते हैं यहाँ पर। इधर एक ये वॉशरूम भी है साथ में, और ये देखो भाई ये नीचे से बैक वाटर जा रहा है गोवा का, देख रहे हो। ये इन्होंने लकड़ी का पुल बना रखा है सारा, इसके अंदर भी योगा होती है बट अभी ये बंद है। ये है भाई यहाँ की देसी जिम, देख रहे हो कैसे बना रखी है पूरी बढ़िया। कितने किलो का होगा ये देखूँ उठा के, अरे हल्का ही है। ये होगा भाई 2 किलो का होगा ये शायद। तो ये जिम है भाई, ये देसी जिम है यहाँ की, देख लो। ये अपना सिस्टम बढ़िया बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। और आप जब सितंबर में आओगे ना यहाँ पर, सितंबर या अक्टूबर में, तो आपको ये सारा क्लीन मिलेगा A to Z और बहुत प्यारी जगह लगेगी। सफाई अभी उधर भी चल रही है। तो ये है सारी यहाँ की जिम जो कि अब सही हो जाएगी कुछ दिन में। उधर भी कोई एरिया है बट वो शायद अभी प्रॉपर सेट नहीं है, तो वो हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ये गंद मतलब देखना भाई कि मतलब थोड़ा सा गंदा हो रखा है, ये सही हो जाएगा अपना। तो यहाँ से चलते हैं आगे। ये देखो भाई, वाह भाई वाह, बढ़िया सिस्टम बना रखा भाई, कुछ भी कहो। ठीक है भाई, अब इधर क्या है, वे टू बीच। ये वही रास्ता जहाँ से मैं अभी आया हूँ, जो गेट दिखाया था ना, ये वहीं बीच पे जाएगा। जिम इधर है, अल्फा क्लब इधर है, TVG कैफ़े वो भी इधर है, और रूम्स वो उधर है, वो मैं रूम बाद में दिखाऊँगा आपको और इसका प्राइस भी मैं बता दूँगा। तो उधर जाके आपको एक बार कैफ़े दिखा देता हूँ मैं। बाकी भाई ये कैफ़े है यहाँ का, और ये भाई यहीं मिलेंगे। ठीक है, इधर भी ये दे रखा अपना, बैठो आराम से चिल करो यहाँ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, काम वाम करना हो तो अपना यहाँ बैठ के काम करो। और सही वाला सिस्टम लगा मेरे को तो भाई, सही बताऊँ तो ये वाला देखो अपना बढ़िया नीचे पक्का कर रखा है। और रात को तो और सही है, तो बिल्ली भाई ये बिल्लियाँ पीछे नहीं छोड़ती गोवा में, कितनी भारी है ये। और ये टेबल वगैरह लगा रखे, लाइटिंग वगैरह दे रखी है, और शाम का भी व्यू आपको मैं दिखाऊँगा। बाकी इधर एक बार कैफ़े दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर चलते हैं कैफ़े। देखो ये कैफ़े है भाई यहाँ का, अपना बढ़िया बना रखा है सिस्टम। अभी ये गद्दे वद्दे जो इन पे लगते हैं ना, वो सब हटा रखे हैं इसी चक्कर में, क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश से सारा जो सिस्टम है ना इधर का, गद्दे वद्दे सब गीले हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस टाइम, मतलब अभी गद्दे लगाने का तो गंदे है क्योंकि इतने गेस्ट है भी नहीं। अभी पूरे इसके अंदर हम 8-10 लोग हैं, जो कि एक ग्रुप है, वो ग्रुप आज निकल जाएगा, उसके बाद हम रह जाएंगे 5-6 लोग यहाँ पर। और साउथ गोवा तो सबको पता है कि भाई थोड़ा सा शांत जगह है, तो यहाँ टूरिस्ट सीज़न हो या नो सीज़न ना हो तब भी मतलब क्राउड कम ही रहता है क्योंकि शांत है। एक दो बीच है इधर, और जो ये हॉस्टल है ये पालोलिम जो बीच है, उस पालोलिम बीच से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर दूर है। ये लाइटिंग वाइटिंग जल जाएगी, ये भी हम आपको दिखा देंगे बढ़िया सिस्टम। तो इस हॉस्टल का रात का सीन देखो, तो भाई ये है रात का। अब हम रात में आ चुके हैं, तो रात का आपको कॉमन एरिया दिखा देता हूँ। ये इस पर गद्दे लग जाएंगे जब सीज़न आ जाएगा, सीज़न आएगा सितंबर में अक्टूबर में, तो उसके बाद ये गद्दे वद्दे लग जाएंगे, सब कुछ बढ़िया साफ़ हो जाएगा। और ये लाइटिंग वगैरह लग रखी है यहाँ पर, सामने स्पीकर लगा रखा है, वो बाहर है देख लो, पंखे वंखे बढ़िया सिस्टम है। और ये शेर घूम रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये भाई बाहर है। ये इधर की मेन्यू जो मैंने दिन में दिखाई थी, ये पूरा बाहर है। बियर वगैरह सब यहाँ मिल जाएगी, दारू जो पीना खाना है तुम्हें सब यहीं बैठ के अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं आपको कॉमन एरिया दिखा दिया, तो दिन में चलते हैं। तो भाई ऐसा ही सिस्टम है सारा यहाँ का। ये बुक्स वगैरह रखी है, अगर आपको मतलब बुक्स के पढ़ने के शौकीन हो, सिगरेट वगैरह स्मोक वगैरह कर सकते हो। और यहाँ ये है भाई यहाँ की मेन्यू खाने की, देख लो। ये था हमारा रूम, तो दूसरा रूम अभी हम आपको दिखाते हैं। ये है भाई दूसरा रूम, देखो कितना प्यारा है। ये लाइटिंग वाइटिंग हो गई चालू, पंखा यहाँ लगा हुआ है, लाइटिंग आप चारों तरफ देख सकते हो, वाइट लाइट है, बहुत सही है। एसी लगा है साथ में, आपको ये बेड बहुत ही सही है भाई, कसम से इससे अच्छा
मैं कंफर्टेबल है भाई, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये देखो कंफर्टेबल है, हर तरीके से कंफर्टेबल है। साथ में ये आपको कंबल भी है, ये शीशा अगर हटाओगे तो साथ में ये साथ वाली बिल्डिंग है, ये मेन गेट का रास्ता नीचे अपना ऊपर आओ, बहुत प्यारी लग रही है भाई कुछ भी कहो। और यहाँ से अपन चलेंगे डॉम में, ये है भाई यहाँ का डॉर्मेट्री। और बेड की बात करूँ तो बेड बहुत सही है, कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं मेरा बेड ये था जिसमें मैं स्टे किया है मैंने। तो बेड की बात करूँ, बेड भी ये देख लो भाई कंफर्टेबल है बिल्कुल, हर तरीके से आपको बेड मिलेगा, एक पिल्लो मिलेगा, साथ में एक कंबल मिलेगा सोने के लिए, एसी उधर है ही, साथ में आपको मिलेगी लॉकर, ये लॉकर है, इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। सारे लॉकर ऐसे ही हैं, ये लॉक हो रखे हैं मेरे ख्याल से अभी तो, ये देखो ये सामान वगैरह रखे हैं। तो और यहाँ से भी विंडो है, और विंडो से भाई ये व्यू है पूरा नेचर का, साथ में ये पड़ोसी हैं कोई तो उनका सिस्टम है यहाँ। ये वॉशरूम है भाई, वॉशरूम भी बहुत सही है, और गीजर लगा हुआ है इधर, गर्म पानी मिल जाएगा, शोवर है साथ में, ये है, और ये है भाई इधर का शीशा। सो भाई वो था हमारा रूम, डॉम सब दिखा दिया आपको, ये है यहाँ का कॉमन एरिया, इधर सोफे वगैरह लगे, हमारे बैग अभी यहीं रखे हैं, और ये अपना बढ़िया सिस्टम है इधर चार्जिंग वार्जिंग के, सोफे भी बहुत सही है, कंफर्टेबल है, साथ में इधर म्यूज़िक सिस्टम भी है, साथ में आपका क्लैप बॉक्स भी मिल जाएगा, चेयर्स वगैरह है, बुक्स पढ़ने के जो शौकीन हैं उनके लिए बुक्स भी है, इंटरनेट फ्री, वाईफाई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की, और बहुत सही से मेंटेन कर रखा है। इधर एक कंप्यूटर टेबल लगा रखा है काम करने के लिए, तो कंप्यूटर टेबल है अपना, यहाँ कुर्सी वर्सी बढ़िया, साथ में यहाँ पर आपका गिटार भी है। ये यहाँ का नाम लिखा है बाटी होम, और यहाँ भी सोफे है, और यहाँ से भी व्यू है भाई बहुत सही। अभी तो बारिश हो रही है, ये देखो पूरा नेचर दिखेगा आपको यहाँ से, एक नंबर जगह है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ की, और बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये दिखा लेता हूँ आपको मैं किचन इधर का, अरे साइड हो जाओ, क्योंकि अभी मैं चाय पी रहा था इसलिए मैं एक हाथ से पर्दा करूँ। बाकी भाई यहाँ देख लो भाई, एक्वा गार्ड लगाए पानी पीने के लिए, सारी सुविधा है, अपना बर्तन वर्तन धोने का यहाँ सिस्टम है, और इधर सामान अपना बाहर से लाओ, इधर बनाओ, गैस रखी है, केतली है इधर, साथ में अपना रोटी बनाने के लिए है किस, और मतलब भाई बढ़िया सिस्टम मिल गया आपको एक कसम से बताऊं तो, क्योंकि यहाँ बहुत कम ऐसे हॉस्टल वगैरह या होटल वगैरह जिनमें किचन मिलेगा। इधर फ्रिज भी रखा है, तो ये अपना बढ़िया सिस्टम भाई, किचन का भी साफ़ सुथरा किचन है अपना, बाहर से अपना सामान लाओ और किचन में आ गया अपना खाना बनाओ। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस का ये मान के चलो भाई, जो डॉर्मेट्री है वो ऑफ सीजन तो अभी ऐसा ही रहता है कि भाई ना ना करते 300-400 रुपए के आसपास, और जब सीज़न आता है तो डोम का जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होके वही 500-800 के बीच में पहुंच जाता है। सो भाई जो इधर का प्राइवेट रूम है उसका जो प्राइस है वो भाई ऑन सीज़न जाता है 2,000-2,500 के बीच में, ये फ्लैक्चुएट भी होता रहता है, तो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपना पहले कॉल कर लेना, कॉल करने के लिए आपको बाटी होम का नंबर कहाँ से मिलेगा, या तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके बाटी होम गोवा लिख दोगे तो आ जाएगा, और नहीं आया तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर मेरे यूट्यूब की वीडियो पर किसी पर भी आप कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें बाटी होम का नंबर चाहिए, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकता हूँ। अब भी ऑफ सीज़न में बता देता हूँ, ऑफ सीज़न का जो टाइम है इसमें इनका प्राइस है 350 रुपये, तो 350 रुपये में यार क्या दिक्कत है ये वन नाइट का। ये मैं यहाँ का आपको प्राइवेट रूम दिखा देता हूँ, ये देख लो ये प्राइवेट रूम है, बढ़िया पूरा वुडन वाला सिस्टम है इधर, ये बेड है डबल बेड है अपना, टॉवल रखी है इधर, और इधर है पिल्लो। तो ये इनका सबसे नॉर्मल वाला रूम है। इधर वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये भैया वॉश बेसिन वगैरह लगा, शीशे इधर लग गया, पेट निकल गया भाई, पेट कम करेंगे। ये इनका बाथरूम भाई देख लो, नहाने के लिए अपना बढ़िया शोवर दे रखा है, और ठंडा गर्म सब सिस्टम है इधर वैसे तो। ये इधर का वॉशरूम ये देख लो भाई, अच्छा है, सिंपल सा वॉशरूम है, बहुत सही है। तो ये इनका सबसे नॉर्मल कैटेगरी वाला रूम है। और सो भाई जो ये वाला रूम है नॉर्मल कैटेगरी का, इसका जो प्राइस है वो 2,500 है अब भी ऑफ सीज़न में। जब ये सीज़न चालू हो जाएगा ना यहाँ पर टूरिस्ट का, उस टाइम ये फ्लैक्चुएट होगा तो ऊपर भी जाएगा, 5,000-7,000 ऐसे भी जा सकता है। तो इस चीज़ की मेरे को मत कहना भाई तुमने 2,500 बताया तो, और हमें 6,000 में मिला है। लाइन से सबकी बालकनी बना रखी है इन लोगों ने, बढ़िया झाड़ लगा रखे हैं ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सुपीरियर वाला रूम, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, और ये रूम है भाई देखो, सही मतलब बढ़िया बना रखा है। इधर से देख लो, साथ में आपको यहाँ टीवी मिल जाएगा, एसी भी है और फ्रिज भी है,
और ये साथ में अपना सामान वामान रखने के लिए बढ़िया मतलब वो है। डोम मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार कि डोम कैसा है यहाँ का। ये है भाई मिक्स डोमेट्री, जिसमें कि आपको ऐसा रहता है कि यहाँ पर एक लाइट मिलेगी। इस लाइट को बंद करके एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे ये लाइट है, ये लाइट मिलेगी, स्विच मिलेगा चार्जिंग के लिए। ये बेड है और कंफर्टेबल बेड है, देख सकते हो। और साथ में एक पिल्लो है और अपना मतलब ओढ़ने के लिए वो है। और ये है यहाँ अलमीरा, मतलब लॉकर बोल सकते हो, इसमें लॉकर है ये। अपना सामान वामान आपको रखना है इसके अंदर रख सकते हो। और एक दो तीन चार पाँच छः, ये है सिक्स बेड डॉर्मेट्री और बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो पूरा। ये भी वुडन का ही है। इसका प्राइस बता दूं मैं मिक्स डॉर्मेट्री का, इसका प्राइस है सीज़न के टाइम पे आपका ये मान के चलो कि 500 से 1000-1500 तक ये फ्लैक्चुएट ऊपर नीचे चलता रहता है। मतलब ये मत सोचना कि 1500 ही है, तो मतलब उसके बीच में भी रहता है। तो उस बजट के हिसाब से ये बेस्ट है। बाकी आपको ये है कि भाई इसी बजट में आपको अपना रेजोर्ट में रहने की एक फीलिंग मिल जाएगी, और क्या चाहिए। साउथ गोवा में इससे बेटर डील आपको नहीं मिलने वाली। और हम यहाँ, हमारा यहाँ था 2 दिन का, हमें 1 दिन पहले जाना था, बट फिर हम रुक गए क्योंकि हमें यहाँ का थोड़ा हिसाब किताब अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा और रूम्स वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छे लगे। तो ये थी भाई साउथ गोवा के बेस्ट एकोमोडेशन की वीडियो, हॉस्टल की वीडियो, स्टे की वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Love, bro.